जन्नत, ऊपर बर्फ गिरी हुई है। ये वही रास्ता है भाई जहाँ से आपदा आई थी, और जो ये रास्ता है ये अभी बनाया न्यू। महादेव महादेव महादेव, और बस और सिर्फ महादेव। ये देख लो भाई, जाते जाते क्या व्यू मिला है। बादशाह भाई वहां दिखा दो एक बार। धुआं उठ रहा है भाई, धुआं उठ रहा है, और वो देखो वहां है। बचपन में पहाड़ के आदमी वहां कंचे खेलते थे, इतना बड़ा पिल्ला बनाते भाई। रास्ते में जाते जाते मिले हमें भीमबली मंदिर, भगवान केदारनाथ जी ने मंदिर का निर्माण भीमसेन जी ने किया था। इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जय हर हर महादेव बाबा। भीमबली ने किया था केदारनाथ जी के मंदिर का, भीमसेन ने मंदिर का चला आ रहा है। इसकी स्थापना गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, सदैव सेनानी। भाई आप प्योज करके पढ़ सकते हो, और यहाँ भीमबली जी के दर्शन करके ही आगे जाएं। भीमबली मंदिर के सामने ही व्यू देखो पहले आप, और ये हेलीपैड है, शायद ये इमरजेंसी हेलीपैड मिलेगा। पालकी का रेट पता करना, मैं भैया से बात करा देता हूँ। क्या रेट है भैया पालकी का? 70 किलो का है, 9-10 हज़ार रहेगा, हमको मिलेगा 8,000-9,000। अच्छा, 70 किलो का 9,000-9,400 जमा होगा। ठीक है ठीक है, अब हमको मिलेगा 9,400। अच्छा, और जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएंगे पैसे बढ़ते जाएंगे? जितना किलो बढ़ता जाएगा। देखो भाई पतला सा रोड है, और इस पे घोड़े भी जा रहे हैं, पिट्ठू भी जा रहे हैं, पैदल यात्री भी जा रहे हैं, तो या तो सबर करके जाओ, क्योंकि अभी दो घोड़ों का यहाँ टकराव हो गया था, तो यार चोट लग सकती है। अरे मेल हो गया था दोनों का। हाँ मेल हो गया था भाई, फीमेल भी हो गया। हाँ बच्चा हो गया उनको। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। भाई अगर आप आ रहे हो पहाड़ों की मैगी नहीं खाई, मेहनत आपकी जिंदगी में 10 रुपए में क्या कट रहा है, खाओ मैगी। ये मत खाओ भाई, ये 150 रुपए की मत खाओ, 50 रुपए में पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, 50 रुपए कितने लगने हैं, पैसे बचाओ। ऊपर से देखो Awesome view. और ये सावधानी भी भाई, सेतु पर एक समय पर 24 व्यक्ति या 6 खच्चर ही जा सकते हैं। नहीं मतलब क्या कहने का मतलब है, मैं 4 व्यक्ति का एक ही हूँ मैं। गलत बात, बात तो सही है। सैफली भाई ले सैल्फी, सैफली ले सैफली। ओ माय गॉड, क्या चढ़ाई है, भोले बाबा से मिलना है तो भाई चढ़ना पड़ेगा। ये वही रास्ता है भाई जहाँ से आपदा आई थी, और जो ये रास्ता है ये अभी बनाया न्यू। पहले वहाँ से रास्ता था, वो आपदा के कारण ये न्यू बनाया। ये पुल भी नहीं थे यहाँ पे। जैसे जैसे भाई आप ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे फोग जमा हो रही है, फोग आ रही है, देखो कैसे चल रही है। और वहाँ चांदी जैसा पहाड़ दिख रहा है, क्योंकि उस पर बर्फ गिरी हुई है। आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन भाई सामने देखोगे माँ कसम एक नंबर लग रहा है। माँ कसम झूठ नहीं बोल रहे। देखो भाई वहाँ बर्फ गिरी हुई है, और चलो चलो छोटे। हर हर महादेव। आप नीचे से पैदल आ रहे हो? अरे यार सलाम है भाई तेरे को, लानत है उन पे जो 18-18, 20-20 साल के हो गए ऊपर घोड़ों पे जा रहे हैं। बताते भाई बताते। कहाँ से है भाई? बनारस। हाय हाय, खाई के पान बनारस वाला। देखो जन्नत, ऊपर बर्फ गिरी हुई है, हमारा नसीब हुआ तो भाई देखने को मिल जाएगी। तो भाई रात हो चुकी है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और अभी भी कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। अच्छी बात यह कि लाइट गई थी, वापस आ गई तभी, और फिर चलते हैं रेनकोट वगैरह डाल के, और 2-3 घंटे फिर लग जाएंगे। और टेंट का भी देखना है यार, क्योंकि अगर टेंट नहीं मिला तो परेशान हो जाएंगे। बहुत रात हो गई यार, और लाइट भी नहीं जल रही कहीं, थोड़ी सी हल्की सी लाइट ऊपर जल रही है, वरना लाइट भी नहीं है। ये सबसे गलत चीज़ है, लाइट तो होनी चाहिए यार।
आप देखो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होगी आपको, क्योंकि एक छोटी सी लाइट है, वरना कहीं लाइट ही नहीं है, मतलब काफ़ी दूरी पे लाइट है। भाई ये रेट लिस्ट है और किलोमीटर भी दिखा रहा है। हम फिलहाल लिंचोली में हैं, श्री केदारनाथ 4 किलोमीटर दिखा रहा है और लगभग मिलेगा 5 किलोमीटर के आसपास। और ये है भाई रेट लिस्ट आपकी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या तो पढ़ सकते हैं या फिर आराम आराम से वीडियो को स्लो स्लो मोशन में देख सकते हैं। सरकारी, हाँ सरकारी रेट लिस्ट है ये भाई। रात हो चुकी है और केदारनाथ यहाँ से दिखा रहे 3 किलोमीटर और एक वो वाला जो रास्ता है वो शॉर्टकट है, लेकिन रात को आप इस मत लो। और भाई मेरी उंगली फट गई है और इसमें पानी लगते दर्द हो रहा है भयंकर वाला मेरे को, ज़्यादा चलने से मतलब ये उंगली फट जाती है। लेकिन महादेव से मिलना है और भाई अपने आंखों के सामने जन्नत देखने, दर्द तो सहना पड़ेगा। बिल्कुल अंधेरा, फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है सबकी। हरे महादेव। भाई बेस कैंप आ गए, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? हाँ भैया बहुत मजा आया, सजा सजा नहीं यार, मजा है। पर गाइस मजे बहुत आ गए, लेकिन हाँ अलग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। हाँ खुश किस्मत है यार हम लोग बस, बहुत और भगवान की दुआ से मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ बारिश नहीं है यार, मेन तो ये है ना, आई है बारिश लेकिन हल्की बूंदा बांदी बस। थोड़ी थकावट और रुकावटें तो है रास्ते में, पर कोई ना यही सब पार करके तो भगवान से मिलते हैं। बिल्कुल। और भाई यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर बता रहा है, तो आपको बता दे कैंप में आदमी है ना। तो भाई हम फिलहाल 1 किलोमीटर रह रहा है मंदिर। जो आदमी है और लड़की हाथ बताओ, आदमी जो बात तो देखो फोक देखो, अभी बॉडी खोल दो ना, अभी है और चाय पिए सही तो होगी बॉडी, फोक में चाय का अलग ही मजा है। और भाई आप खाते पीते रहना, खाली पेट मत रहना और पानी पीते रहना, क्योंकि खाली पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब आप जो भाई इस अगली क्लिप में दृश्य देखोगे वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है यार, जिसके लिए लोग मरते हैं अब वो दृश्य देखने वाले। और भाई मैं ये तो नहीं बोलूँगा यार कि महादेव की कसम आपने लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके ये साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यार आपको अगर दिल से अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू एंड देखो वीडियो। तो गाइज भाई फाइनली ड्रीम अचीव कर लिया, महादेव ने अपने पास बुला लिया और सामने आप देख रहे हो बिल्कुल जन्नत। भाई हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं और मतलब मज़ा आ रहा है बहुत, और कैमरे पे भाई बूंदे भी गिरने लग गए अब तो। केदारनाथ केदारनाथ और सिर्फ केदारनाथ। और भाई मैं बिल्कुल भीगा हुआ हूँ लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मेरे महादेव के सामने हूँ यार बिल्कुल। और आपने भाई रात में महादेव बाबा के दर्शन कर लिए होंगे, आपने भी घर बैठे जन्नत के नसीब हुए हैं। तो भाई मिलते हैं आपको कल सुबह के दर्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय महादेव, जय महादेव और जय महादेव, बस जय महादेव।